हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट प्रेडेटर में। इस वीडियो में फ्रेंड बात करूंगा मैं ग्लैमॉर्गन वर्सेस सरे के बीच में होने वाले इंग्लिश टी20 ब्लास्ट के मैच की, जो अब से 22 घंटे बाद स्टार्ट है। तो फ्रेंड यहां पर दोनों टीमों के स्क्वाड में चेंज है फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा चेंज है। मैं आपको बता दूंगा एक एक प्लेयर, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम का वो भी गायब है दोनों में से। तो फ्रेंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो फ्रेंड टेलीग्राम में मैं क्या होता है कि अगर मैच के बीच में कुछ भी इंजरी रिपोर्ट हो गई या कुछ भी स्क्वाड चेंज हो गया तो फ्रेंड टेलीग्राम एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जहाँ से मैं आप लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। क्योंकि फ्रेंड ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं उतने कम टाइम में आपके लिए वीडियो बनाऊं और मैं वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब में, वो बेटर होगा कि फ्रेंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। ओके, तो फ्रेंड यहां पर मैंने ऑलरेडी कल के जो मैच हैं ये बाकी मैच का मैंने वीडियो डाल दिया, सिर्फ दो ही मैच रह गए हैं और इस मैच का वीडियो मैं डाल रहा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड बाकी का दूसरे मैच का मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगा, तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं फ्रेंड मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर। और अगर फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड वो घंटी वाला बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर क्या चेंज है। तो ग्लैमॉर्गन का फ्रेंड आप ये स्क्वाड देख सकते हैं, ग्लैमॉर्गन की काउंटी क्रिकेट ने निकाला है फ्रेंड, तो वहाँ से मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक चेंज आपको मिलेगा कि यहाँ पर आर बर्न जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे यहाँ पर खेल रहे थे ग्लैमॉर्गन से, तो वो हो गए इंजर्ड, वो हो गए स्क्वाड से बाहर। तो उनकी जगह पर यहाँ पर टीम में आया फ्रेंड यहाँ पर सेलमान। तो सेलमान के बारे में बता दूँ आपको, रॉयल लंदन वनडे कप में आपने देखा था फ्रेंड वहाँ पर क्या करते थे, ओपनिंग करते थे ग्लैमॉर्गन के लिए। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड यहाँ पर सेलमान भी ओपन कर सकते हैं। तो डोनाल्ड चौथे नंबर पे आ सकते हैं या ख्वाजा नीचे आ सकते हैं फ्रेंड, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, या नेक सलीमान चौथे नंबर पे भी खेल सकते हैं। तो थोड़ा डाउट है सलमान का, क्योंकि पिछली बार जब इनका टी20 हुआ था तो उस टाइम पर ग्लैमॉर्गन के लिए सलमान ओपन करते थे टी20 में भी। तो इस बार अभी चौथे नंबर पे खेलेंगे तो ठीक है, बट ये 100% फ्रेंड, 100 तो नहीं बोलूँगा फ्रेंड, 99 बोलूँगा, क्योंकि 1% तो टीम मैनेजमेंट का होता है। बट कल के मैच में नेक सलमान 99% खेलेंगे। तो फ्रेंड इनकी प्लेइंग 11 में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ख्वाजा, डोनाल्ड, इनग्राम, सलमान, कार्लसन, कुकी, वॉक्स, स्लेटर, रूबरी, स्मिथ, टिम वांडर, गुक्टन एंड मिचेल होगन। तो फ्रेंड ये होगी इनकी प्लेइंग 11। तो फ्रेंड ये लोग पिछला मैच अपना हारे हुए हैं, तो कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज होता है तो फ्रेंड वैसे चेंज कुछ नहीं होगा क्योंकि 13 मैन का स्क्वाड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड लॉलर को तो लाएंगे नहीं मेरे ख्याल से इस मैच में, और ज़्यादा बड़ा स्क्वाड है नहीं फ्रेंड, 13 या 12-13 लोगों का स्क्वाड है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं हम सरे की टीम की। तो सरे की टीम में फ्रेंड एक चेंज ये है कि यहाँ पर सैम करन जो है इंग्लैंड की टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर वो खेलेंगे नहीं, उनकी जगह पर उनके रिप्लेसमेंट आए हैं पर मॉर्नी मोरकल। ठीक है, तो मॉर्नी मोरकल के बारे में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड अब यहाँ पर स्क्वाड देख सकते हैं आप, ये स्क्वाड है फ्रेंड इनका दिया हुआ, तो आप इस स्क्वाड को देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज मिलेगा आपको, वो मिलेंगे यहाँ पर हमारे सैम करन। तो सैम करन जुड़ गया इंग्लैंड की टीम के साथ। तो फ्रेंड यहाँ पर उनकी जगह पे यहाँ पे मॉर्नी मोरकल आए फ्रेंड, वो 100% कल का मैच खेलेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, 100 तो नहीं बोलूँगा, 99 बोलूँगा, तो 99% वो कल का मैच खेलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जेसन रॉय करेंगे, एन फिंच आएंगे, फिर मैंडिसन आएंगे, बैन फॉक्स आएंगे, ओली पॉप आएंगे फ्रेंड, रिकी क्लार्क आएंगे, मॉर्नी मोरकल आएंगे, टॉम क्रॉन आएंगे, प्लांस आएंगे, बैटी आएंगे एंड डनबैक आएंगे। तो फ्रेंड आपको तो पता है कि यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना, एरन फिंच को तो आपको करना ही होगा फ्रेंड, चाहे वो स्मॉल लीग में। तो फ्रेंड आप एरन फिंच को अभी स्किप ही नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि एरन फिंच 2020 के अभी हीरो बने हुए हैं फिलहाल, उनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है और जिम्बाब्वे सीरीज से उन्होंने बिल्कुल ही अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आपको टीम दिखा देता हूँ इस मैच की। तो फ्रेंड ये मेरा टीम प्रीव्यू इस मैच का, आप देख सकते हैं कुकी को मैंने विकेट कीपर लिया फ्रेंड। कुकी को विकेट कीपर लेने का रीज़न ये है फ्रेंड, मुझे नहीं लगता कि बैन कॉक्स की बैटिंग आ पाएगी। ओके, तो मुझे लगता है कि इनका सरे का जो ओपनिंग स्टैंड बहुत मजबूत है, फिंच है, रॉय है, मैंडिंसन है, उसके बाद ओली पॉप है, तो मुझे लगता नहीं कि बैन कॉक्स की बैटिंग आ पाएगी। और मुझे ये लगता है कि ग्लैमॉर्गन फ्रेंड यहाँ पर कमज़ोर है सरे के हिसाब से, तो हमको सरे के ज़्यादा प्लेयर अगर हम ले लें तो अच्छा ही है, वरना कोई नहीं, 6 का रेशियो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर सरे के प्लेयर लिए हैं, मैंने यहाँ पर फिंच लिया है फ्रेंड, साथ में जेसन रॉय को मैंने
तो फिंच को मैंने कैप्टन कर दिया, जेसन रॉय को वाइस कैप्टन कर दिया। फिर वन डाउन आएंगे फ्रेंड यहाँ पे मैंडिनसन, तो मैंडिनसन ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश में हीरो रहते हैं फ्रेंड, वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेयर है, तो मैंने यहाँ पर मैंडिनसन को अपनी टीम में रखा है। तो फ्रेंड साथ मैंने यहाँ पर रखा उस्मान खाजा को एंड निक सेलमान को एंड यहाँ पर कोकी को। साथ में फ्रेंड मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर में रखा है इनग्राम को, और साथ में बॉलिंग की बात करें तो पिलान्स, मॉर्ने मोरकल, सेल्टर एंड रोबरी स्मिथ। तो फ्रेंड मैं आपको एक और इसमें ऑप्शन देता हूँ, देखो अगर आपको यहाँ पर स्मॉल लीग वाली बात है, अभी ये नया प्लेयर है फ्रेंड यहाँ पे, अगर यहाँ पर मिस होता है तो उसकी गारंटी नहीं है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर टीम मैनेजमेंट के ऊपर बात हो, तो आप यहाँ पर इसको हटा के आप कार्लसन को रख सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आप सलमान को हटा के आप कार्लसन को रख सकते हैं फ्रेंड, आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि कार्लसन तो टीम के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड ग्रैंड लीग का मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, तो ग्रैंड लीग में फ्रेंड ये प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा, अभी ये भी स्क्वाड में है फ्रेंड, तो हो सकता है कि इसको चांस दे दे। ऑर्थोडॉक्स भी है ही साथ में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफ ब्रेक बॉल फेंकता है यानी कि स्पिनर होगा, तो फ्रेंड आप इसको अपनी टीम में रख सकते हैं, आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है, क्योंकि ग्लैम मॉर्गन फ्रेंड पिछला मैच हारी हुई है, तो यहाँ पर ग्लैम मॉर्गन की टीम चाहे तो चेंज कर सकती है, ये प्लेयर ले सकती है, और इस प्लेयर को फ्रेंड लिया है कल के मैच पर ओनली, आप देख सकते हैं 1% ने, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगे टीम में। और बाकी मुझे नहीं लगता फ्रेंड कि सरे की टीम में कोई चेंज होगा, सरे की टीम सेम रहेगी, बस सेम करन की जगह मॉर्ने मॉर्गन टीम के अंदर आ जाएंगे। तो फ्रेंड ये रहेगी मेरी टीम आपकी स्मॉल लीग के लिए, अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड अपने टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड अगर आपको अपना लॉस कवर करना, अगर आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आना है, तो फ्रेंड मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है 9165959889, मेरा व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको कराऊंगा ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।